टी20 क्रिकेट में 72 गेंदों में 300 रन बनाने वाला वो खूंखार क्रिकेटर आज गुमनामी की जी रहा है जिंदगी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच से भरा खेल है। क्रिकेट के मैदान में कुछ भी कभी भी हो सकता है जो दर्शकों को हैरान कर दे। टी20 क्रिकेट जो कि 20 ओवरों का फॉर्मेट है जिसमें 13 शतक के बारे में सोचना भी कठिन लगता है, लेकिन इस कठिन काम को भी किसी ने पूरा कर दिखाया है जिसे कई लोग असंभव मानते थे, लेकिन ये असंभव नहीं है। भारत के एक बल्लेबाज ने इस 2020 फॉर्मेट में 13 शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि मोहित अहलावत है, जिसे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं। भारत के बल्लेबाज मोहित अहलावत ने 7 फरवरी 2017 को दिल्ली में एक टी20 मैच में 13 शतक लगाया था। अपने इस कारनामे से इन्होंने सबको हैरान करके रख दिया था। इस मैच में मोहित अहलावत ने मावे 11 की तरफ से खेल रहे थे। मावे 11 की तरफ से खेलते हुए फ्रेंड्स 11 के खिलाफ इन्होंने 72 गेंदों में 300 रन बनाए थे। उन्होंने इस पारी में 39 छक्के और 14 चौके लगाए, जिसमें विपक्षी टीम के गेंदबाजों को मुकाबला करना बहुत कठिन हो गया था। मोहित के शानदार प्रदर्शन से विपक्षी टीम लड़खड़ा सी गई थी। इस मैच में मोहित अहलावत का प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि फ्रेंड्स 11 की टीम को 216 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मोहित अहलावत का ये रिकॉर्ड टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टी20 क्रिकेट के इतिहास में उपलब्धि हासिल करने के बाद भी कई क्रिकेट फैंस को इनके बारे में शायद ही पता हो। उन्होंने इस पारी में 234 रन छक्कों से और 56 रन चौकों से बनाए थे। इस शानदार पारी के दम पर मावी 11 ने 20 ओवरों में 416 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जो काबिले तारीफ थी। इतनी अच्छी बल्लेबाजी करने के बावजूद भी मोहित को आईपीएल में जगह नहीं मिली, ना ही ये अपने क्रिकेट के करियर में एक बेहतर मुकाम हासिल कर पाए। हालांकि अभी भी ये बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज दिल्ली रणजी टीम और सर्विसेज के लिए खेलते नजर आते हैं। इन्हें ऋषभ पंत से पहले रणजी खेलने का मौका भी मिला था, लेकिन मोहित अहलावत का क्रिकेट करियर गुमनामी में चला गया है और ये गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। उनके पिता पवन अहलावत ने भी क्रिकेट खेला था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें क्रिकेट छोड़कर टेम्पो चलाना पड़ा। मोहित ने लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट अकेडमी से प्रशिक्षण लिया था, जहाँ पर गौतम गंभीर और अमित मिश्रा जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी ट्रेनिंग की थी। अब मोहित अहलावत की उम्र 28 वर्ष से अधिक हो चुकी है और वो दिल्ली और सर्विसेज के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने 11 फर्स्ट क्लास मैचों में 236 रन और 24 लिस्ट ए मैचों में 554 रन बनाए थे। मोहित ने लिस्ट ए क्रिकेट में 2 अर्धशतक भी लगाए हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपना आखिरी मैच 3 दिसंबर 2023 को झारखंड के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान खेला था, जिसमें उन्होंने 24 रन बनाए थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आपको मोहित अहलावत के बारे में पता था? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।